लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये लाइनें छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के टॉपर पति पत्नी अनुभव सिंह और विभा सिंह पर एकदम सही बैठती है। शायद ये इतिहास का पहला अनोखा मामला होगा जिसके परिणाम में पति अनुभव सिंह टॉपर और पत्नी विभा सिंह सेकंड टॉपर का खिताब अपने नाम किया है। हालांकि इन दोनों की सफलता भरी कहानी जितनी शानदार और रोचक है, उतना ही संघर्ष और कठिनाइयां भी हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर निवासी सुपर टैलेंटेड कपल अनुभव सिंह और पत्नी विभा सिंह ने हकीकत में साबित कर दिखाया है। एग्जाम में अनुभव के सिलेक्शन के बाद उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। बिल्कुल, मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि देखिए लगातार 10 साल आप असफल होने के बाद आप केवल इसलिए संघर्षरत रहते हैं कि आप सेलेक्ट हो जाएं, कि आपकी बस ये उम्मीद हो जाती है एक समय के बाद कि यार कि कम से कम मैं सेलेक्ट हो जाऊं। तो इस बार भी मैं ऐसा कोई उम्मीद नहीं था कि मैं टॉप करूंगा, बस हाँ ये था कि सेलेक्शन हो जाएगा ऐसा लग रहा था मुझे। मगर इतनी सारी असफलताएं देखी हैं मैंने अपनी लाइफ में कि एक डर लगा रहता था कि अगर नहीं हुआ हर बार की तरह, क्योंकि हर बार मुझे उम्मीद होती थी कि मैं इस बार निकल जाऊंगा, बट वो चीज़ नहीं पॉसिबल हो पा रही थी। तो चीज़ें हैं वैसी, बिल्कुल ये हम दोनों ने उम्मीद नहीं की थी कि हम दोनों फर्स्ट सेकेंड रैंक आ जाएंगे। हम दोनों ने ईमानदारी के साथ ये कह सकते हैं अपना पूरा 100% दिया इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, और साथ में हमने पढ़ाई लिखाई की एक साथ। और आप साथ में पढ़ते थे तो इस दौरान आपकी दोस्ती हुई, उसके बाद क्या हुआ? जी 2008 में हम लोगों ने साथ में पढ़ाई शुरू की और हम एक ग्रुप का हिस्सा थे, साथ में ग्रुप स्टडी करते थे, और धीरे धीरे ये जो स्टडीज हैं वो हम लोगों का चूंकि एम एक था, जुनून एक था, हमारी थिंकिंग लेवल ऑफ थिंकिंग एक जैसी थी, तो हम धीरे धीरे नज़दीक आते गए। और परिवार वालों की सहमति से फिर 2014 में हमारी शादी हुई और साथ में हम तैयारी कर ही रहे थे और लगातार एक दूसरे का सहयोग इस मैटर पे बना ही रहा। हम दोनों एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते थे, दोनों एक दूसरे के कमजोर क्षणों में एक दूसरे को साहस देते थे, धैर्य बंधाते थे और एक साथ साथ में पढ़ते थे। इसी का नतीजा है शायद, अगर हम दोनों एक साथ नहीं होते, एक साथ पढ़ाई नहीं करते, तो शायद ये चीज़ मुमकिन नहीं हो पाती जो आज पॉसिबल हुई है। केवल ये मेरा योगदान नहीं है, केवल ये उनका योगदान नहीं है, ये हम दोनों का समान योगदान है। सेलेक्ट हो जाऊंगी ये तो मुझे पता था, लेकिन टॉप में हम आएंगे ये मुझे नहीं पता था, और आने के बाद इतनी खुशी हुई कि शब्दों में उसको नहीं बताया जा सकता। तो कितने साल लगे आपको इस तरीके से तैयारी कर रहे थे, कब से आपने कोचिंग की तैयारी की? 2008 से मैं कोचिंग से जुड़ी रही और तब से तैयारी लगातार रही। बीच में कुछ सालों का ब्रेक रहा, लेकिन उसके बाद पिछले एक साल से फिर से मैंने तैयारी शुरू कर दी। तो आप ब्रेक जब लिए, आपका पहला सिलेक्शन कब हुआ, कौन से डिपार्टमेंट में आप क्या अधिकारी बनकर गए थे? 2012 में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में मेरा सिलेक्शन हुआ था एडीओ के पोस्ट पे, और 6.5 साल हो गए मुझे जॉब करते हुए। तो इस दौरान आपको अजीब नहीं लगा कि नौकरी करते हुए, घर का काम करते हुए आपने फिर नई तैयारी की शुरुआत की? नहीं, क्योंकि मेरा एम पीएससी में सेलेक्ट होना था, तो वो चीज़ें मुझे प्रेरित करती थी और लगातार मैं पढ़ाई के टच में रही। वही विभा सिंह ने अपनी नौकरी के साथ ही तैयारी की और सिलेक्शन की उम्मीद तो थी, लेकिन टॉप में आने का अंदाजा नहीं था। बहरहाल अनुभव और विभा सिंह ने लोगों के लिए एक मिसाल कायम की। जिंदगी में चाहे जितनी भी कठिनाइयां सामने आए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।